भारत माता के नारों से और लड़की के जज्बे को बढ़ावा देते हुए लग रहे हैं। आखिरी क्षण बहुत ही कीमती है। 100 मीटर की रेस में लड़की को पूरा विश्व नजर थामे देख रहा है और वो मौका आ ही जाता है जब एक कुंसी सी लड़की पूरे विश्व भारत का नाम रोशन कराती है। आज इस जीत को मुझसे ना जोड़ा जाए, ये मेरी जीत नहीं बल्कि हर उस समाज, हर उस उपेक्षित तिरस्कार भरे माहौल से है जहाँ लड़कियों पर आज भी पाबंदियाँ है। आज समाज इतना विकृत हो गया है, इतना दूषित हो गया है कि उसे हर कदम पर लड़कियों में ही कमी नजर आती है। आज की लड़की पढ़ना चाहती है, खेलना चाहती है, उड़ना चाहती है और इसका दम भी वो रखती है, पर पुराने रीति रिवाज और रूढ़िवादी सोच के चलते उन पर बहुत बेड़िया है। आज की यहाँ तक कि उनकी ममता भी दाव पर लगी है। आज हमारे देश को एक भविष्य की स्वस्थ माँ की जरूरत है। आज एक स्वस्थ बेटी और स्वस्थ माँ की हमारे समाज को बहुत जरूरत है और इस जीत का श्रेय मैं, ये हमारे पूरे भारत की जीत है और इसका श्रेय मैं उन लोगों को देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और इस लायक समझा। मुझे अपने असली घर से कोई शिकायत नहीं है। हर औरत की पहचान उसके पति से होती है लेकिन मेरी पहचान अब मुझसे है। तो पर गम इस बात का है कि काश वो मुझे पहले पहचान लेते। चलो कोई, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ फिर से और आपको बहुत सारी मुबारक। टीम फिटनेस की स्वस्थ सोच स्वस्थ समाज के लिए हमारी छोटी सी पहल। जय हिंद, वंदे मातरम।